प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 211 फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइलम आर्थ्रोपोडा ये इन्वर्टिब्रेट का एक फाइलम है और ये इन्वर्टिब्रेट के अंदर एक एडवांस ग्रुप है आर्थ्रोपोड्स अकर इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट फ्रेश वाटर मेरीन और टेरेस्ट्रियल ये एक एडवांस ग्रुप है और ये हर किस्म के हैबिटेट के अंदर पाया जाता है और इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर ये एक बड़ा फाइलम है देर इज एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी ऑफ सेफिलाईशन इन यानी इनके अंदर बकायदा जो ब्रेन है वो मौजूद है देर बॉडी सीरियर सेगमेंट आर सोमाइट्स हमने ये कहा था कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बॉडी पार्ट्स हैं वो लीनियरली रिपीट हो रहे हो सीरियल रेपिटेशन हो तो इस फिनोमिना को हम मेटा मैरिज्म कहते हैं तो आर्थ्रोपोड के अंदर भी मेटा मैरिज्म मौजूद है फाइलम आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर मेटा मैरिज्म मौजूद है मेटा मैरिज्म क्या है इसके अंदर एक एनिमल के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर रेपिटेशन होती है लीनियर रेपिटेशन तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर भी लीनियर रेपिटेशन मौजूद है उसके अलावा इनकी जो अपडिजे हैं वो ज्वाइंटेड है अब खालिफ आर्थ्रोपोडा के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी है इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस मौजूद है अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर एक्स से डायरेक्ट निम्फ बनता है और उसके बाद वो अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और अडल्ट और निम्फ देखने में एक जैसे होते हैं साइज का फर्क होता है और मिच्योरिटी का फर्क होता है उसके अलावा कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर एग्स से लार्वी बनता है लार्वी मुख्तलिफ इंस्टार से होता हुआ फिर वो प्यूपा के अंदर कन्वर्ट होता है प्यूपा से फिर अडल्ट फॉर्मेशन होती है तो ये बहुत ज्यादा वराइटी है इसके अंदर अब ये जो फाइलम है इसको बेसिकली हम मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं इसके अंदर हेक्सापोडा जिसके अंदर इंसेक्ट्स शामिल हैं उसके अलावा इसके अंदर मारियापोडा शामिल है जिसके अंदर मिलीपीड शामिल है इसके अंदर हम जो इक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको भी शामिल करते हैं जिसके अंदर शामिल हैं क्रस्टेशिया और एक इसका जो ग्रुप है उनको हम एरेक्नेट्स कहते हैं अरेक्नेट्स ऐसा फ़ाइलम है जिसके अंदर फोर पेयर्स ऑफ लेग्स हैं जिस जैसा कि जो हैं वो एरेक्नेट्स के अंदर आते हैं जो स्पाइडर्स हैं वो भी एरेक्नेट्स के अंदर आते हैं उसके बाद ये जो ग्रुप है ये सीलोमेट है ट्रिप्लोब्लास्टिक है एक एडवांस ग्रुप है उसके अलावा ये जो फाइलम है अगर हम डायवर्सिटी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा डायवर्स ग्रुप है ये सबसे ज्यादा कामयाब ग्रुप है हर किस्म के हैबिटेट के अंदर इस फाइलम के जो मेंबर्स हैं वो मौजूद हैं इस वाल के अंदर बाकायदा नर्वस सिस्टम मौजूद है इसके अंदर स्क्रीटरी इस सिस्टम मौजूद है इनके अंदर रेस्परेटरी सिस्टम मौजूद है